आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। Thank you.
से लगाए शिवराम को राज तिलक हो रहा है। जोर से बोलिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, भवन सुत हनुमान की जय। जगत जी प्रसन्न गया, रियान को का सुपुत्र सुरभि हितेन गुप्ता जी को 500 दौड़ गए। वैरायटी बोर्ड हाउस 1100 रुपए, भगवान राम जी के चरणों में ये धनराशि अर्पित करते हैं। मैं क्लब की ओर से इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भगवान जी से इनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो आपने देखा नवरात्रों में किस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराया और किस तरह पाप पर पुण्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की जय हुई, दुराचार पर सदाचार की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हमेशा होती ही रहेगी। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ और भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हुई। सभी भारतवासी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, खुशियां मना रहे हैं और 14 वर्षों के लिए अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र की रक्षा की, सेवा की। और उधर भरत जी जिनको राज तिलक हो रहा था, सिंहासन मिलने वाला था, वो भी अपनी माता पिता में बहुत गर्व हुआ था और वो भी अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को जंगलों में लेने के लिए चल रही थी। श्री रामचंद्र जी का इंतजार करने वाले उनको 14 वर्षों के बाद ही अयोध्या में वापस लौटे थे। तो भाई भरत का विशेषता देखिए, उन्होंने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की क्राउन लेकर अयोध्या में 14 वर्षों तक अपने और 14 वर्षों की क्राउन के बाद उन्होंने राज के राजा अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को सौंपा। हनुमान जी के का समाधान किया, संजीवनी बुद्ध कराए, सीता माता का पता लगाया और अयोध्या में भरत जी को श्री रामचंद्र जी के अयोध्या का रावण के जीवन से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो कि कहते हैं कि रावण 4 वेदों के ज्ञाता थे, अपने जीवन को सफल करे और सदाबी कुछ से दूर रहे और अपने जीवन को सफल बनाए और देश की प्रगति के लिए कार्य करें। ये मेरा हमारा संदेश है सभी भारतवासियों को। अभी सभी भारतवासी प्रत्येक वर्ष श्री रामायण जी का यहाँ पर आयोजन आपके सहयोग, आपके तन मन धन के सहयोग से हम श्री रामचंद्र जी की कृपा से सफल कर पाते हैं। उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम रामायण के पात्रों की मर्यादाओं आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करके अपने जीवन को उन अयोध्या वासियों को, उन भारत वासियों को कि वो राम दरबार में आए और अपनी खुशी प्रकट करें। Yeah.
जी के राज्याभिषेक के दिन मैं आमंत्रित करता हूँ प्रभात शर्मा जी को। वो आपका बहुत ही सुंदर कविता हर साल वो आपको सुनाते हैं, इस बार भी वो आए हुए हैं और बड़ी सुंदर कविता श्री रामचंद्र जी के बारे में आपको सुनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रभात शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सर पहले तो मैं धन्यवाद करगा रामलीला क्लब कमेटी चंबा कि इतने बड़े महान मंच पर, अद्वितीय मंच जिस पर मुझे एक कविता सुनाने का मौका दिले, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक विशेष तौर पर चंबे की रामलीला उस पर रामलीला पर बोलने तो रामलीला के बारे च बोलने तो पहले चार लाइन इस चंबे शहर के बारे च। कि चंबा शहर अचंबा है दो नदियों का घेरा, चंबा शहर अचंबा है दो नदियों का घेरा, शंकर गौरी नारायण लक्ष्मी का है इसमें बसेरा। एक ओर प्राचीन बिजली घर एक ओर डैम चमेरा, सुंदर पहाड़ों ने है इसको चारों ओर से घेरा। वर्ष 400 पहले यहां पर लगाया था बाबा श्रीचंद जी ने डेरा, मां नदी रावी जी का है हम सब पर उपकार मेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका इसमें बसेरा, ऐसे सुंदर शहर को प्रणाम लाख लाख मेरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चंबा शहर अचंबा जिहड़ा अचंबा शब्द दित्या तुसां हैरान रहना कि असा चंबे वालिया ने इस जो अचंबा बोलिया, ईवन भारत वर्ष के लोगों भी इस जो अचंबा नहीं बोलिया। अचंबा जिहड़ा नां दिता एक महान विद्वान पर्यटक विदेशी यूरोपियन कंट्री के रहने वाले जिन्हें कि पूरी कंट्री के पता नहीं कितनी दुनिया दिखी और जिस वेले चंबे च आए और चंबे का हाल दिखा तो तेरा दिन मुँह तो निकल कि चंबा चंबा अचंबा, और उस तो बाद चंबे अचंबे पर कई किताबा भी लिखी कई कुछ है। लेकिन बंदा यूरोपियन कंट्री का जिसला ये शब्द निकलिया पूरे दुनिया जो दिखी के चंबे दिखी के बोले चंबा अचंबा। धन्यवाद। हूँ इस रामलीला के बारे च भगवान राम की कृपा करें बचपन तो मुझे इस रामलीला जो देखने का मौका मिला और मैं देखना कि भाई हर वर्ष इस नए 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 रंग निखरते और इसके बारे च एक फिल्म है देशभक्ति की उपकार जिस मातृभूमि के बारे च बोलिया कि और सजेगी अभी और चमकेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, ये मेरी आजादी की दुल्हनिया ये तो है बड़ी भोली, दुल्हन चली हाय रे पहन चली सात रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा यमुना देख के दुनिया डोली, दुल्हन चली हाय रे पहन चली सात रंग की चोली। तो इस चंबे की रामलीला के बारे च और सजेगी अभी और समरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, ये मेरी चंबा की रामलीला ये तो है बड़ी भोली, दुल्हन चली हायरे पहन चली सात रंग की चोली, बाहों में लहराए मां नदी रावी देख के दुनिया डोली, दुल्हन चली हायरे पहन चली सात रंग की चोली। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने सुनी प्रभात शर्मा जी से। हम प्रत्येक वर्ष ये आकर ये अपनी सेवा देते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक नन्ही कलाकार अलीशा जी, वो आपको श्री राम दरबार में अपनी खुशी का
कैसे वो प्रकट करती है श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के दिन। अलीशा जी, हर कलाकार के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, उत्साह बढ़ता है बच्चों का और बच्चे भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करते हैं, इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं हो सकता।
एक रुपया कोई गुप्त दान, 500 रुपया कोई गुप्त दान भगवान राम जी के चरणों में ये धनराशि अर्पित करते हैं। मैं क्लब की ओर से इन दानी सज्जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनके मंगलमय जीवन की भगवान जी से कामना करता हूँ। ये जो साउंड सिस्टम है जिसके माध्यम से आपने सारे संवाद रामायण के सुने और कलाकारों की प्रस्तुति बहुत सुंदर तरीके से इस साउंड सिस्टम ने उभारी, इसकी सेवा जो है वो सतनाम ज्वेलर ने की है। श्री रामलीला क्लब चंबा उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और उनके मंगलमय जीवन की भगवान जी से कामना करता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ गार्की जी को कि वो अपनी खुशियाँ प्रकट करें। जोरदार तालियों से गार्की जी का उत्साह बढ़ाए, कृपया करके तालियां बजती रहनी चाहिए, बच्चों का उत्साह। I'm not afraid.
बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नन्ही कलाकार सना जी को, वो आए और अपनी खुशी प्रकट करें। सना जी तालियां जरूर बजनी चाहिए, मेरा ये आग्रह रहेगा कोई भी बच्चा यहाँ पे आता है तालियां जरूर बजाए, उसका उत्साह बढ़ाए, बहुत बड़ी बात होती है ये।
कि वो आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। जोरदार थाली से फिर मेरा आपसे आग्रह रहेगा। कल बच्चों का हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और ये प्रेरित होते हैं और अच्छा सा अच्छा करने के लिए। एक बार फिर जोरदार चालियों से स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक
जो हमारे ग्रुप कलाकार हैं, खुशी आपके सामने व्यक्त करेंगे श्री राम राज तिलक के दिन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत आग्रह रहेगा। तालियां ढीली नहीं बजनी चाहिए, जोर से तालियां बजे। देखिए बच्चे, मैं यहाँ पर आई तू नहीं जानी रास्ते
इसका कोई मोल तो नहीं है, पर इनको इनको उत्साहित करने के लिए श्री रामला क्लब चंबा
कुछ भेंट देना चाहता है, तो मैं आग्रह करता हूँ श्री नितिन पला जी से, पला इंफोटेक, ये जो प्रोत्साहित जो उपहार है ये नितिन पला इंफोटेक की ओर से है, तो मैं जोरदार तालियों से इनका ये तालियां बात को विराजमान है, बहुत सुंदर अभिनय करते हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए, उत्साह बढ़ता है कलाकारों का और अगले वर्ष ये और अच्छे सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति देने में सक्षम होंगे। श्री तो रामचंद्र जी ने तो सभी को उपहार देने हैं, तो मैं अब नाम लूंगा धीरज महाजन जी जिन्होंने लक्ष्मण के पात्र का अभिनय किया। तालियां बजती रहनी चाहिए, उत्साह बढ़ता है। रितिका ठाकुर जी सीता और पृथ्वी के रूप में अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय करती हैं। रोहित महाजन जी भरत के रूप में नजर आए, रोहित महाजन। अभिषेक महाजन जी शत्रुघ्न के पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय करते हैं। विजय महाजन जी राजा जनक और सुखैन वैद के रूप में उन्होंने अभिनय किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। राकेश मनचंदा जी हनुमान जी के रूप में अभी भी मंच पर वो विराजमान है, वो श्री रामचंद्र जी के हाथों अपना उपहार लेंगे। ये श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है इन कलाकारों को। सुजल अरोड़ा जी श्रवण कुमार के रूप में नजर आए। तनिष्क पुरी बाल्यावस्था के लक्ष्मण, नखात और शांतनु के पात्रों का अभिनय किया। खुशी के रूप में नजर आई ज्ञानवती जी श्रवण की आदरणीय माता जी। रिंकू अरोड़ा जी ब्रह्मा और वशिष्ठ के रूप में अभिनय किया। अंशु माली जी कुंभकर्ण के पात्र का अभिनय किया। कमलेश नैयर जी विभीषण के पात्र का अभिनय किया। मोनिका जी आदिशक्ति मंत्रा और सूर्यलता, ये प्रथम बार इन्होंने ये अभिनय किया यहाँ पे मंच पर और बहुत ही सुंदर अभिनय किया, इसका उत्साह बढ़ाए तालियों के साथ। शोभन महाजन जी मेघनाथ बने। संदीप मेहरा जी ताड़का, प्रमुख सरदार रावण के पात्र का अभिनय किया। नितेन महाजन जी मंत्री रावण और धर्मपुत्र बने। हार्दिक जी सेनापति रावण और नल के रूप में नजर आए। मिथुन विष्णु भगवान जी के पात्र का अभिनय किया। गुंजन खर बने और रावण की सेना के रूप में नजर आए। दिवांश दरबारी रावण, अमन दरबारी रावण सुबाहु, उदय जी ऋषि बने, हरीश कुकरेजा जी इंदर ऋषिल ऋषि बने, गर्व सुबंध और जामावंत, हिमांश बाल्यावस्था के राम,
अरुण शर्मा जी त्रिजटा, योगिंद्र शर्मा जी विश्वामित्र, अभय और कृष्ण, ठाकुरदास भाटिया जी विभिन्न किरदार निभाए, आदित्य किसान, मानिक प्रजागण, कृष्णा द्वारपाल, जैतिक अग्नि, हर्षिल किसान, मार्मिक नील बने, युवराज द्वारपाल, रीना जी सुलोचना और कुशल्या के पात्र का अभिनय किया, कनिष्का जी ककई के रूप में पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया कनिष्का जी ने और रीना जी ने, अनु शबरी अहिल्या के रूप में नजर आई, गार्गी जी मंदोदरी, तालियां बजती रहे आज से मेरा आग्रह रहेगा। मैं सभी माँ बाप से ये मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने बच्चों को श्री रामचंद्र जी के इस कार्य में उनकी सेवाएं अर्पित करने के लिए प्रेरित करें। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और एक बड़े अच्छे इंसान बनेंगे, अपना जो जिंदगी है वो सदमार्ग पर चलाकर हर प्रकार से ये सफल होंगे। गार्गी जी मंदोदरी और बाल्यावस्था सीता के रूप में उन्होंने पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया। तान्या सहेली सीता फुलवारी में, आरुषि श्रेया रागनी मेघना दोषिता ज्योति विद्या विधि सना पीहू प्रीति, ये फुलवारी के दृश्य में सीता माता की सहेलियां बनी। हमें अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने महान कलाकार पप्पू जी को, जोरदार तालियों से पप्पू जी का स्वागत करें। बहुत ही सेवाएं देते हैं ये, अपना कीमती समय देते हैं श्री राम भगवान जी के चरणों में। आइए महाराज, आइए महाराज। मुदित बाली के रूप में नजर आए, पंकज महाजन जी मरीच और अक्षय कुमार के पात्र का अभिनय किया, दीपक जी ने अंगद और जटायु के पात्र का अभिनय किया, चेतन नरूला जी सुग्रीव बने,
शशांक, पंकज ठाकुर और आरव ये वानर सेना के रूप में नजर आए। अब मैं आमंत्रित करूंगा उन महानुभावों को जिन्होंने साउंड का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका बहुत योगदान रहा। आमंत्रित करता हूं लखवीर सिंह जी को। लखवीर सिंह जी, और श्री रामलला क्लब, श्री अमीन मलिक जी का और जोगिंदर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मेरी शब्दों की कमी है कि इन्होंने ये जो कार्यक्रम है ये घर घर में भक्त जनों के घर पहुंचाया। जो यहाँ पर किसी कारणवश नहीं आ सके उन्होंने घर बैठकर इस कार्यक्रम को देखकर आनंद लिया और ये कार्यक्रम भारत में नहीं पूरे विश्व में ये गया है और जहाँ जहाँ भी हमारे जो संगे संबंधी हैं उन्होंने वहाँ बैठकर भी ये कार्यक्रम को देखा है। अमित मलिक जी के लिए और जोगिंदर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्री सेवाएं देते हैं। इनका श्री रामलला क्लब चंबा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। अब संगीत में जो जिन्होंने सेवाएं दी वो है तनप्रीत सिंह जी, कमलदीप सिंह जी, किरण और उमेश जी बांसुरी वादक। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाना है। आपकी तालियों ने बहुत अनमोल है आपकी तालियां। ढोली बोधराज एम राकेश कुमार शाहपुर से। ये बहुत ही इनके लिए कमलदीप और तनप्रीत सिंह के लिए जो दे रहे मैं आमंत्रित करूंगा एपी सिंह जी को जिन्होंने ये कार्यक्रम को टेलीकास्ट करने में हमारा योगदान दिया है, महारानी श्री रामचंद्र जी का योगदान दिया है। तो तनप्रीत सिंह जी तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जो लाइट व्यवस्था की उसमें मैं आमंत्रित करता हूँ अजित महाजन जी, मनीष शर्मा जी, राजवीर जी चावला टेंट हाउस, और रंगमंच व्यवस्था में नमन महाजन, ईशान वैद, कनव महाजन, पवन, सुदेश, पप्पू चौकीदार, प्रदीप, बिट्टू। मैं आमंत्रित करता हूं रामायण के खलनायक जोरदार अभिनय करने वाले श्री अमरीश महाजन जी को जिन्होंने रावण और दशरथ के पात्र का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया। जोरदार तालियों से अमरीश जी का स्वागत करें, उनका उत्साह बढ़ाए कि ये गत कई वर्षों तक अपनी सेवाएं रामचंद्र जी के चरणों में देते रहे। बहुत ही सुंदर हमने जोरदार डायलॉग डिलीवरी, बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति है इनकी।
तालियां बज रही इनके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इन 10 दिनों में जो कलाकारों को जिन्होंने यहाँ सेवाएं दी उनके लिए रिफ्रेशमेंट का जो प्रबंध किया वो धीरज महाजन, नरेंद्र महाजन, मनीष महाजन, जितेंद्र महाजन, वंदना बनोट और नवल महाजन, ये कृपया मंच पर आए और श्री रामचंद्र जी का उपहार लेकर आशीर्वाद ग्रहण करें। ₹200 ये बच्ची कन्या भगवान राम जी के चरणों में धनराशि अर्पित करती है। मैं क्लब की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सीनियर कलाकार, रंगमंच के डायरेक्टर, और सबसे बड़ी बात यह कि नवरात्रों में अमेरिका से स्पेशल जम्प आते हैं और ये तारा रामलीला का मंचन का कार्यक्रम इनकी देखरेख में होता है और अब नए करते हैं परशुराम का रोल इन्होंने किया, केवट का पात्र इन्होंने बहुत खूबी से निभाया, जोरदार तालियां बजाए परमेश पुरी जी के लिए। पुरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थोड़ा मैं इमोशनल हो गया। मैं आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने स्टोर में सभी ड्रेसेस की व्यवस्था की, आकाश गुप्ता जी, श्रीकांत कुकरेजा जी, विपन जी, मानव जी, जयंत जी और रितेश जी। कृपया स्टोर इंचार्ज जी आए। कोई भक्त गुप्त दान ₹200 भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। अब जो यहाँ पे नवे नवरात्र में देवी देवता आए, विजयदशमी की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए उनका जो प्रबंध किया उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। सुभाष जोशी जी, देवेंद्र अबरोन जी, सुनील समी जी, सुशांत मणि जी, देवेंद्र शर्मा जी, एक और देवेंद्र शर्मा बिंदु जी, मानव महाजन जी, पंडित अजय शर्मा जी, पंडित विशाल जोशी जी, पंडित काकू पंडित जी, पंडित जगमोहन जी, जिन्होंने इन 10 दिनों में आरती करवाई। श्रीराम क्लब उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जोरदार तालियां फिर होनी चाहिए। आपके तालियां इनका बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। और दशहरा केसरी जंगल का सफलतापूर्वक जो आयोजन किया श्री अनूप महाजन जी, श्री नरेंद्र ठाकुर जी। Thank you.
अब जो स्टेज और पंडाल में जो व्यवस्था की उनके मैं नाम लूंगा। आदरणीय परम आदरणीय श्री एस जी नैयर जी, ये हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे ये इसके मेंबर है श्री रामला क्लब के, और ये इस उम्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार है इनका और शब्द नहीं है मेरे पास इनकी कैसे मैं तारीफ करूं, प्रशंसा करूं। जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाए, इसी तरह ये आगे सेवा देते रहे, उम्र दराज हो और भगवान उनको स्वस्थ प्रदान करे। अशोक महाजन जी, सतीश महाजन जी, जिन्होंने डायलॉग की प्रॉम्प्टिंग में सेवाएं दी, मनोज महाजन जी, प्रशांत किशोर गुप्ता जी, श्री बोधराज जी, श्री विशाल गुप्ता जी, श्री राकेश वैद्य जी, श्री संजीव पुरी जी, श्री नवल महाजन जी, ये कृपया मंच पर आए, अपना आशीर्वाद लें भगवान राम जी से। कलाकारों के मेकअप में योगदान दिया विरोग जी, कुशक जी, हर्षित महाजन जी और अमीचंद जी। ये जो कार्यक्रम की सफलता है, आपका तन मन धन का सहयोग तो रहता है, लेकिन जो पर्दे के आगे जो कलाकार अभिनय करते हैं उनको सजाने संवारने में पर्दे के पीछे जो बहुत ही कलाकार होते हैं उनका बड़ा योगदान होता है उनको सफल बनाने में। अब जो भगवती आने में यहाँ पे उनका 10 दिन जो सेवाएं दी उनके नाम लूंगा। अतुल गुप्ता जी, प्रवीण महाजन जी, दुबिया बुधिया राम जी, सुभाष महाजन जी, राजीव महाजन जी, अतुल गुप्ता जी, और जिन्होंने ढोली का सेवाएं दी। अब आमंत्रित करूंगा राजू गाइड जी को कि वो आए और श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन्होंने चेस दशहरा चेस प्रतियोगिता में अपनी सेवाएं अर्पित की उनका नाम लूंगा। चंदन सहगल जी, चंदन चोला जी, अभिनव शर्मा जी, विशाल शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी और नीना शर्मा जी। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एंड पूल एसोसिएशन ने दशहरा स्नूकर चैंपियनशिप सफलतापूर्वक संपन्न करवाई
रामलीला क्लब चंबा की भेंट के तौर पर श्री रामलीला भगवान ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रथम जो स्थान हुआ ऋषभ मेहता का और द्वितीय स्थान शक्ति चौहान जी का। इसमें यदि कोई भी कलाकार या सेवादार जिन्होंने इन 10 दिनों में या 2 महीनों में रिहर्सल के समय जो सेवाएं अपने दी हैं, अगर किसी कारणवश हमारा कोई नाम उनका कोई छूट गया हो, वो कृपया हमको माफ करते हुए अपना जो आशीर्वाद है श्री राम जी से वो आकर यहाँ पर ले जा सकते हैं। मिठू शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं आग्रह करना था कि इन बच्चों के पेरेंट्स का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। रामलीला क्लब सदा आभारी रहेगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य में अपने बच्चों की सेवाएं अर्पित की हैं। और जो माता पिता किसी कारणवश अपने बच्चों की सेवाएं नहीं दे पाए, अगले वर्ष वो अपने बच्चों को प्रेरित करें श्री रामलीला क्लब के इस रामायण मंचन के कार्य में अपनी सेवाएं देने के लिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस वर्ष का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपको आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपके उज्जवल भविष्य हो, आपका जीवन